इंडिया की देशक पश्चिम की शाखा में आए थे, उसमें से एक ने वहाँ पर जो तैनात कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय थे उनके ऊपर गोली चलाई और उस हथियार का थ्रेट दिखाकर वहाँ से 2,70,000 रुपये बैंक से वो लेके गए थे। उसके बाद में इनको पकड़ने के लिए हम लोगों ने अलग अलग टीमें तैयार की थी। उन टीमों ने पूरे एरिया के इन्फॉर्मर्स वहाँ के सीसीटीवी फुटेज देखकर वो कौन सी दिशा में गए हैं उसकी जानकारी ली और उस दिशा में उनको ढूंढना शुरू किया। और एक एरिया में अगर वो हो सकते हैं ऐसा पता चलने के बाद में अपने इन्फॉर्मर के जरिए उन आरोपियों को अटक किया गया है। दो आरोपी उस घटना में शामिल थे, उसमें से एक के पास में पिस्तौल था और दूसरे ने कैशियर के ड्रॉवर से पैसे निकाल के बैग में भरकर वो लेके गए थे। वो दोनों आरोपी को कल रात को हम लोग ने पकड़ा है। उसमें हमारे जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर, एसीपी दहीसर वसंत पिंगले, एसीपी बोरिवली रेखा भवरे, सीनेपिया एमएचबी रवि सरदेसाई और अलग अलग पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर्स और कॉन्स्टेबल्स, ऐसी टीमें हम लोग ने बनाई थी। उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और आरोपी को ढूंढ के निकाला है। बैंक में एक आरोपी की चप्पल भी वहां पर छूट गई थी। उस चप्पल के को लेके हुए डॉग स्क्वाड को भी हम लोग ने बुलाया था और डॉग ने भी उसी दिशा में हम लोग को लेके गया और उसी एरिया में हम लोग ने फिर तहकीकात की और इन्फॉर्मर के जरिए उस आरोपियों का पता लगाया और उनको कल रात को अरेस्ट किया गया है। दोनों आरोपियों को आज 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है और उसमें से एक आरोपी के पास से हम लोगों ने एक पिस्तौल और कुछ कैश बरामद की गई है।